बच्चों, हमने आप लोग को तत्वों, यौगिकों और मिश्रण के बारे में पूरा बता दिया है। सबको पता चल गया तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। यस मैम। मैंने अणु और परमाणु भी बताया आप लोग को, है ना। उसके बाद अणु सूत्र, जैसे यहाँ पे देखिए बोर्ड में मैंने अणु सूत्र लिखा है ना, और वहाँ आपके वॉल में भी प्रिंट रिच में बहुत सारे अणु सूत्र लिखे, वो आपको याद करने हैं। अब इन अणु सूत्रों में कोई भी अणु सूत्र परमाणु से बनता ना, परमाणु से अणु बनते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे छांटना है कि जो यौगिक है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहले ये यौगिक है जो लिखे हैं जो क्या है, ये यौगिक हैं। और यौगिक किससे बनते हैं, तत्वों के निश्चित अनुपात से। यौगिक कैसे बनते हैं, तत्वों के निश्चित अनुपात, है ना। तो अब इस जो यौगिक का सूत्र मैंने लिखा है, आप लोग को इसमें आना है और बताना है कौन कौन से तत्व से बना है। सबसे पहली बात वो तत्व को छांटना है, फिर ये देखना है कि वह जो तत्व का नाम तुम लोग छांट के लिखे उसमें कितने परमाणु हैं। तो परमाणु से मिलके उस यौगिक का क्या बन गया अणु। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले वाले को सॉल्व करने, जल्दी से खड़े हो। हाँ चलो बेटा पायल, चलो सॉल्व करो। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, पहला हमारा अणु सूत्र क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, है ना। वो देखो छांट के लिख रही है पूरे तत्वों को, पहले छांटेगी कौन कौन से तत्व से बना है। ये सही लिखी है, yes, ma'am. है ना। अब टोटल 5, वेरी गुड, सब क्लैपिंग करो। बेटा आप इन तत्वों के नाम बता सकती हो जो आपने लिखा, कौन कौन से तत्व हैं। कार्बन, क्लोरीन, हाँ, तो मिलके क्या बन गया, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये कहाँ उपयोग होता है, कहाँ पे यूज होता है, प्रसीतक यंत्र, है ना, कोल्ड स्टोरेज। बैठो बेटा, देखो ये जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ, यह एक यौगिक है ना। और ये जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, ठेले वगैरह में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखते हैं ना, एसी, एयर कंडीशनर, सब जगह यूज होता है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उन यंत्रों से निकलता है, और ग्लोबल जो हमारे यहाँ पे ओजोन परत को नुकसान पहुँच रही ना, ये उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। 8वीं में आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अब दूसरा यौगिक ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में कौन करेगा। हाँ आओ बेटा निधि, निधि इसका डिटेल करेंगी। पहले तत्वों को नाम छांटो, फिर उसके परमाणु लिखना कितने। जोड़ो कितने परमाणु हो गए, 24, है ना, 24 परमाणुओं से ग्लूकोज का एक अणु बना। आप ये नाम बताओ कौन कौन से तत्व हैं, पहचानती हो उनको, नाम बताओ। सी से क्या होता है, कार्बन, हाँ, फिर दूसरा, हाइड्रोजन, तीसरा, ऑक्सीजन, वेरी गुड, चलो ताली बजाओ साहब। अब मैं तीसरा तत्व लिख रही हूँ, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। मैंने तीसरा नंबर का अणु लिख दिया यहाँ पे यौगिक, अब इसके बारे में कौन बताएगा डिटेल पूरा, राज। चलो बेटा करो, अलग अलग इसके एलिमेंट्स करो, फिर उसमें एटम का नंबर देखना कितने एटम। थोड़ा नीचे से लिख सकते हो, हाथ नहीं पहुंच रहा तो। सभी बच्चे ध्यान से देखो, सबको बारी बारी से आना है, सबको ये चीज आना चाहिए। टोटल कितने हो गए बेटा, तीन, है ना। नाम बताओ क्या क्या है, एनए से क्या होता है, एनए को क्या बोलते हैं, सोडियम, हाँ, ओ को, ऑक्सीजन, और एच को, हाइड्रोजन, हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH है, कास्टिक सोडा, है ना, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है, बहुत कड़ा क्षार है, सबसे स्ट्रांग बेस है ये। अब चौथा नंबर का लिख रही हूँ, आप लोग उसको बताएंगे। हाँ बेटा अपना नाम बताओ, हाँ चलो बेटा डिटेल करो उसको, पहले एलिमेंट्स छांटो फिर उसके एटम देखना।
कुल कितने परमाणु हो गए? पांच। इसने सही किया है क्या? यस मैम। हाँ, अब बताओ तत्वों के नाम बताओ, कौन कौन से तत्व हैं? पढ़ो, H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। N को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। हाँ, फिर O को? ऑक्सीजन। हाँ, तो देखो ये जो HNO3 ये क्या है, किसका सूत्र है HNO3? नाइट्रिक अम्ल। क्या है ये? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। सबको याद होना चाहिए, तेजाब का मुख्य घटक है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तेजाब का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रिक अम्ल। चलो अब अगला लिखूंगी मैं। बच्चों अभी तक हम अणु सूत्र से उसका डिटेल किए ना, उसे तत्व छांटे और उसके परमाणु की संख्या। अब मैंने तत्व परमाणु की संख्या लिखी, इससे आपको अणु सूत्र बनाना है। बेटा आप क्या नाम है बताइए? करुणा। हाँ चलिए आप लिखिए करुणा, आपको बताएंगे इसका लिखना कैसे लिखेंगे, क्या सूत्र बनेगा इसका। ये सही लिखी है? Yes. थोड़ा राइटिंग बस ना, ओ को बड़ा बनाओ थोड़ा, तो फोर नीचे जाएगा। ओ को बड़ा बनाओ, हाँ है ना। अब फोर को थोड़ा सा नीचे लिखो, फोर को थोड़ा सा नीचे लिखो, हाँ सही है ना। H2SO4 इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, बहुत स्ट्रांग एसिड है ये। यह भी नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलकर तेजाब बनाता है। ठीक है, तेजाब का मुख्य घटक सल्फ्यूरिक अम्ल, और भी बहुत सारे चीज़ों में उपयोग होता है। चलिए अब अगले, आप बैठिए, अगले बच्चे को बुलाती हूँ मैं। हाँ हमने दूसरा लिखा, बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम दामिनी सिस्टर है। हाँ चलो दामिनी लिख रही है, इसको देखिए आप सभी, सब अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, फिर बताएंगे सही लिख रही कि नहीं है। सही लिखी है। सी ए सी ओ थ्री को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? किसका सूत्र है ये? चौक। खड़े होके बताओ, चौक। चौक है ना, ये देखिए चौक अपन लोग रोज यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सी ए सी ओ थ्री, कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी गुड। चलो बेटा बैठो, नाम बताओ पहले। नाम हाँ चलिए बेटा लिखिए। अणुसूत्र बनाना है ना, तत्व दिए अणुसूत्र बनाना है। हाँ सही लिखा है ये, NaCl, वेरी गुड। इसका नाम पता है तुम लोग को? सोडियम क्लोराइड। इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? नमक। रोज यूज करते हो ना नमक, हर चीज, हर खाद्य पदार्थ का मुख्य अंग है, मुख्य हिस्सा है, और यह परिरक्षण में भी उपयोग होता है, भोज्य पदार्थों की सुरक्षा। जैसे अचार है ना, कई चीज़ों में नमक मिला के रखो तो कीड़े नहीं लगते, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण एजेंट के रूप में भी यह काम करता है नमक। तो आज आप लोग को कैसा लगा आज की क्लास? तो इसी तरीके से आप सभी को सामने आकर पूरा करना है ना, अणु सूत्र के अंदर उपस्थित तत्वों को और उनके परमाणुओं को पहचानना है। बहुत सारे यौगिक हैं, मैं कुछ होमवर्क दूंगी और आप लोग घर से करके लाना। थैंक यू।